Hey guys, a very good morning. Welcome to my YouTube channel. This is Vivek Wari and you are watching my vlog. तो अभी ऐसा कुछ सीन है कि सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी ऐसा है कि मेरे को एक राइड पे जाना है. एक राइड ऑर्गेनाइज हुआ है बिकॉज आज वर्ल्ड एड्स डे है और आज वर्ल्ड एड्स डे का रैली है. सो मुझे भी इन्विटेशन है और मुझे भी अभी रैली में जाना है. 6 बजे वो मीटिंग पॉइंट था तो हम लोग को मीटिंग पॉइंट में सेरुलर जिल बुलाए. तो अभी मैं सुबह उठा हूँ 5 बजे, फटाफट रेडी हो रहा हूँ. रेडी हो के 5:30 तक मुझे मेरा फ्रेंड अजीश के वहाँ जाना है. हम लोग दोनों फिर साथ में मिल के जो हम लोग का मीटिंग पॉइंट है सेरुलर जिल, हम लोग वहाँ जाएंगे. तो व्लॉग में बने रहिए बिकॉज ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा हुलिया पे मत जाओ सुबह सुबह, कोई अच्छा नहीं दिखता है. सीरियसली यार, आई एम टोटली मेस्ड अप, बहुत वियर्ड दिख रहा हूँ. एनीवे, चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. बाय द वे, अगर राइड पे कभी भी जा रहे हो तो हमेशा स्टार्टिंग में जाने से पहले कुछ ना कुछ हेल्दी खाया करो. ऐसा चीज़ खाया करो जिससे तुम्हारा स्टमक फुल रहे. तो राइट नाउ आई एम हैविंग दिस ओट्स, जिसमें आके कैश्यू, पिस्ता, बादाम सब मिक्स किए, मॉम ने बनाया है. और साथ में आई थिंक समथिंग कुछ दिस है, कुछ मीठा सा डिश है, मीठा रोटी भी बोलते हैं शायद. अभी ये दो मैं फ़िलहाल डाइजेस्ट करूँगा, उसके बाद राइड पे निकलेंगे. बिकॉज ओट्स खाने के एक ही बेनिफिट है, मुझे क्या लगता है कि ओट्स खाता तो मेरे को पूरा हाफ ऑफ द डे तक में मुझे एनर्जी मिलती रहती है और उसमें पेट भी, स्टमक भी फुल फील होता है. तो ये बेस्ट पार्ट है ओट्स की. तो चलो अब इसे हजम करेंगे, फिर डायरेक्ट राइड पे निकलेंगे. भाई भाई देखो इधर भाई, सुबह उठने की यही तो फायदे है ना, ये देखने को मिलता है. इतना प्यारा सनराइज भाई, इतना प्यारा सनराइज. दे दो भाई, विटामिन डी दे दो. हाँ भाई, चार्ज हो गया फुल. चलो अभी हम पहुँचने वाले हैं सरुवल जेल. कोई दिखाई क्यों नहीं देता बे, कहाँ हैं बाकी लोग, अंदर खड़े हैं क्या? अजीज कोई नहीं दिखेगा, ऐसे ही निकल जाएंगे. ये तो वो लग गया, हे प्रभु, हे हरि नाम, कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? भाई सुबह सुबह कोई दिखता नहीं है. ये क्या लफड़ा हो गया भाई, मोए मोए हो गया हम लोग ज्यादा. सुबह सुबह गाड़ियां खड़ा कर देता हूँ. सुबह सुबह सिर्फ हम ही लोग दोनों रिपोर्टिंग करे हैं भाई, हम ही लोग फुल एंथुजियास्टिक है इसको लेके, हैं बाकी कोई दिखता ही नहीं है. चलो देखते हैं क्या सीन होता है. सुबह जल्दी पहुंचने का यही एक डिसएडवांटेज होता है कि आप जल्दी पहुंच तो जाते हैं बट वहां कोई आया ही नहीं होता है. तो मैं और अजीज हम लोग खड़ा होकर बाकी सबका वेट करते हैं, बट ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है बिकॉज थोड़ी देर में आस्ते आस्ते भीड़ होने लगती है और सारे लोग धीरे धीरे करके आना शुरू कर देते हैं. बाय द वे, देखा जाए तो 20 से 30 बंदे तो आ चुके थे और ये जो रैली थी एड्स अवेयरनेस की रैली थी. वैसे ये रैली में ज्वाइन करने का फ़ायदा मुझे भी हुआ, मुझे फ्री में टी शर्ट्स एंड कैप्स मिले और साथ में एक रिफ्रेशमेंट किट भी मिला जो कि मैं बिना देरी करते हुए खा चुका था बहुत जल्दी. सो अभी मुझे भी फ़िलहाल अभी टी शर्ट मिल चुका है, बट टी शर्ट शायद मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है बिकॉज दिस इज़ दी साइज़ XL एंड यहाँ पे भी वर्ल्ड एड्स का लोगो है और पीछे अपने टी शर्ट्स में भी लोगो लिखा है वर्ल्ड एड्स का. सो अभी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, हम लोग को भी टी शर्ट मिल गया है और रिफ्रेशमेंट में कुछ कुछ दिया है. नाइस, एज यू कैन सी केक, फ्रूट्स केक है, यहाँ पे बिस्किट है, जूस है. नाइस, चलो अभी एंजॉय करते हैं. ओवर साइज टी शर्ट लग रहा है मुझे.
थोड़ी देर बाद सारी प्रिपरेशन होने के बाद एक छोटी सी स्पीच दी गई एड्स अवेयरनेस के ऊपर, और इस राइड से रिलेटेड थोड़ी छोटी मोटी बातें कही गई है कि कैसा सेफली आना जाना है, कैसा राइड होना चाहिए, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन हमें बताया गया। और ये जो राइड थी सिर्फ हम लड़के ही नहीं कर रहे थे, हमारे साथ पूरी कमिटी की टीम भी थी, एक एम्बुलेंस वैन भी था और पुलिस के कुछ मेंबर्स भी थे जो हमारे साथ पूरी ये राइड में एंड तक होने वाले थे। भैया इंजन स्टार्ट कर लो, फ्लैग होस्टिंग का टाइम आ गया है भाई, निकलेंगे राइड पे। कैमरा चेक, अपन चेक, लड़के सारे चेक। चलो भाई वो देखो फ्लैग होस्टिंग के लिए कर रहे हैं, टोपी को हम यहाँ फंसा दिए क्योंकि कहीं पहन सकता नहीं। ओके हाँ भाई अभी लेकिन ज़्यादा रेव नहीं दे सकते, आराम से आराम से। भाई धूप है भाई, अच्छा खासा धूप आ गया, धूप आ गया। चलो एक बढ़िया है कि मौसम सही रहेगा, बट टैनिंग छोड़ो भाई, कलवा तो हो ही गया ऑलरेडी, और क्या करेगा। ठीक है इतने लोग हैं, ठीक है अभी फिलहाल लॉन्ग राइड है भाई, जिरगा टान तक राइड है। ये लोग कब निकलेंगे यहाँ से देखते हैं। 5 hours later करो भैया फ्लैग होस्टिंग करो, धूप मारते है, तगड़ा 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 धूप है। मेरा तो भाई रिफ्लेक्टर वाला नहीं है, ट्रांसपेरेंट वाला वाइजर है भाई। देखो भाई चलान वाले लोग भी खड़े हैं, हेलमेट हेलमेट अपना पहन के सेट है, कोई चांस ही नहीं चलान लगने का। ब्रूम 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 छोड़ो रे भैया। One eternity later हट, दिमाग खराब, छोड़ते ही नहीं है ये लोग, छोड़ते ही नहीं है। देखो नॉर्मल पब्लिक इतना देर से रुका था, अभी ये चल गया। चलो 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 चलो, ताली बजा ताली बजा, तालियां तालियां तालियां, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये चले हम गगन से दूर। चलो भैया फाइनली चेहरे को ठंडक मिली, हाँ मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। गाड़ी चलने लगती है, थोड़ा हवा लगने लगता है ना, तो उसके बाद अच्छा फील होता है। और देखो भाई इतने लोग हैं पीछे, सब परेशान, क्या है भाई ये लाल कपड़ा पहन के क्यों जाते हैं भाई। सब परेशान, आई मीन पब्लिक को बोल रहा हूँ मैं। तो सीन ऐसा है कि अभी हम लोग निकल चुके हैं, अभी ऑल द वे थ्रू बंगाली क्लब गोलघर होके निकलना है, और पहला जो हम लोग का चेक पॉइंट है वो है छोलदारी, छोलदारी या तो जोड़ा क्लैन, वहाँ पे कहीं में रुकना है तो वहाँ रुकेंगे। तब तक के लिए राइड एंजॉय करते हैं और आपको सीनरीज दिखाते हैं कि कैसा सीन है क्या है। बाजार के अंदर घुस चुके हैं और यहाँ पर पब्लिक रिएक्शन देखने को बहुत ही मज़ा आ रहा है। हाँ एकदम अजीत बोल रहा, आज फुल फॉर्म में वीडियो बना रहे हैं। हम बोल अभी एकदम बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ भाई, 1 week हो गया भाई, ब्लॉग भी आना डेली डेली ज़रूरी है। तो अभी हम लोग 2 लाइन का ग्रुप बना के जा रहे हैं, 2 लाइन का ग्रुप रहेगा तो ज़्यादा भौकाल लगेगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ, इट इज़ लाइक अच्छा लगता है, एक फॉर्मेशन है सही तरीके से, 2 लाइन तितर बितर हो चुका है अभी फ़िलहाल। ठीक है एनी हाउ आगे भी फॉर्मेशन बनाएंगे और चलते रहेंगे भाई। पब्लिक रिएक्शन देखने मजा आता है। हाँ देखो 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 देखो, पता नहीं कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, बट इन लोगों का रिएक्शन मेरे को देखने मजा आता है। आंटी इग्नोर मार दी, ए अपना पार्टनर रजीश का है, ये कौन है अंकल, अपना पार्टनर पीछे छुट गया भाई। ओए आराम से, तू लाइक क्यों तोड़ रहा है भाई, आराम से जा। यस भाई यस, देखो भाई दिस इज दी फॉर्मेशन, मतलब हम लोग आ रहे हैं, सारे ट्रैफिक पुलिस वाले लोग सब लोग आके इस लोग को रुका दिए हैं, बराबर हम लोग को रास्ता दे रहे हैं जाने के लिए। अच्छा देखो ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, जिरगाटान जाना है, इतना स्लो में जिरगाटान कैसा पहुँचेंगे। हाँ तो फिलहाल राइट नाउ अभी हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, गोलघर जंक्शन पहुँच चुके हैं। और अंकल भाई बढ़िया, हाँ पापा, ओ दे पापा जी खड़े हैं यहाँ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, एज़ यू कैन सी दैट्स माय डैड ओवर देयर। हाँ देखो देखो, यस दिस इज़ द वर्ल्ड एड्स डे, ऐसे हम लोग का अवेयरनेस बनाना है। और ये है जंगली घाट, यहीं से हम पे थोड़ा देर पहले पेट्रोल भराए थे, थोड़ी दूर जाते ही हमारा घर आ जाएगा, बट घर नहीं जाना है, जिरगा टान जाना है। विजुअल चचा हमें शूट करते हुए, हम भी चीज़ बोल के जाते हुए।
न्यूज़पेपर में आएंगे भाई, न्यूज़पेपर में, दूरदर्शन में भी पता नहीं दिखेगा हम नहीं की पता नहीं। और देखो भाई हम लोगों का प्यारा प्यारा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक दिन ज़रूर हम भी वो एयरपोर्ट के दर्शन करने को जाएंगे। मतलब बाहर से दर्शन कर लिया है बट अंदर से नहीं किया, बिकॉज कि अंदर जाने के लिए फिर आपको कहीं जाना पड़ेगा और अभी कुछ ऐसा प्लान हुआ नहीं है कि कहीं बाहर जाऊँ। हाँ पब्लिक रिएक्शन तो तगड़ा मिल रहा है, नाइस ब्यूटीफुल, अति उत्तम एयरपोर्ट। चलो चलो चलो, किसको टाटा कर रहा है भाई, अंदर कोई है ही नहीं। ओ अंकल आराम से, देखा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, टाटा करते करते अंकल का गाड़ी बंद हो गया। हम आप सबका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू थैंक यू, अभिनंदन कीजिए। दीदी गिर जाएगी, दीदी उल्टा आके रिकॉर्ड कर रही है। तो फाइनली वी हैव रीच्ड सिप्पी घाट, दिस एरिया इज नोन एज क्या घाट बोलो, सिप्पी घाट, सिप्पी घाट। हाँ अरे दीदी पलटी हो जाएगी आराम से। You this place, this location is known as झिंगा नाली, झिंगा नाला जो भी बोलते हैं इसे। ये एक्चुअली मैं आप लोगों को इसलिए दिखाने मांगता था बिकॉज यहाँ पहले मेरा नानी घर हुआ करता था ये एरिया पे, बट ये एरिया भी फुल जंगल हो चुका है। पहले हम लोग यहाँ रहा करते थे, ओप्स गलत गया, हाँ तो पहले हम लोग यहाँ रहा करते थे और यहीं पे पूरा बस्ती हुआ करता था। ये एरिया दोनों तरफ में है, ये अभी नहीं, 2001, 2002, 3-4 की बात है, तब की बात है, तो वहाँ अच्छा खासा बस्ती हुआ करता था, बट अभी वो सब ख़त्म हो चुका है। अब मेरे नानी लोग भी यहाँ बाज़ार साइड में शिफ्ट हो गए हैं और एरिया फुल जंगल है। घर है यहाँ, थोड़े मोड़े घर है जैसा यहाँ देख सकते हैं, कोई कोई जगह घर है, लेकिन अच्छा लगता है यार जब यहाँ वापस आते हैं। एक और एक जगह है जहाँ मेरा नानी घर था, दैट प्लेस इज़ नोन एज माइलतिलक, बिकॉज सीन ऐसा था झिंगा नाली से शिफ्ट होके नानी लोग माइलतिलक गए, माइलतिलक से शिफ्ट होके नानी लोग फिर ग्यारह में शिफ्ट हुए हैं बाज़ार साइड। तो माइलतिलक जो है वो रास्ता में ही पड़ेगा, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। सो दिस इज़ माइलतिलक स्कूल और वो यहाँ से एक सीढ़ी ऊपर जाती है, जो टॉप तक जो सीढ़ी ऊपर जाती है वो टॉप वाले ऊपर घर पे, वहाँ पहाड़, तो पहाड़ के ऊपर मेरी नानी लोग का घर था, पहले नानी लोग वहाँ रहते थे। तो अभी फ़िलहाल मैं सबसे लास्ट हूँ और सब लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, तो अभी चलो फटाफट चलते हैं। और हम लोग चेरगा टान चेक पोस्ट पहुँच गए हैं, वी आर द लास्ट लेट लतीफ़ एंड एज यू कैन सी यहाँ दुनिया का गाड़ी इसलिए खड़ा है क्योंकि यहाँ कॉनवे लगता है। कॉनवे ओपन होगा अभी 12-1-2 बजे, जितना भी बजे कॉनवे ओपन होगा उसके बाद ये सारा गाड़ी जाएंगे जैसा रंगगढ़ टिकलीपुर साइड। तो चलो देखें अपना गैंग पार्टी लोग कहाँ रुके हैं, कहाँ पार्किंग करे हैं। हम यहाँ अंडमान एंड निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से आए हैं। ओहो, और हमारा पार्किंग है क्या? पूरा एक टीम बाइक राइडर्स के साथ आया हुआ है, आप लोगों को जानकारी देना, तुम्हारियों का समूह है और ये जो है हम कई तरह से ये फैलता है, मेनली चार कारणों से। फाइनली अवेयरनेस स्पीच चल रहा है, अगर मां पॉजिटिव है तो उसके इसको हम ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं। काउंसलिंग से हो रहा
तो भाई राइट ना अभी टाइम है ब्रेकफास्ट करने का, सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरे साथ देख सकते हैं मेरे सारे दोस्तों सब लोग जितने भी जो हम लोग राइड पे आए थे हम सब लोग अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। तो सामने छोटा सा होटल है यहाँ पे, तो वहाँ जाते हैं और देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है। अभी बहुत भूख लगी यार सच में। तो फिलहाल राइड अभी कंप्लीट हो गई, हम लोग नाश्ता वाश्ता सब कर लिए हैं और सारे लड़के अभी निकल रहे हैं, तो मैं भी जाऊंगा अभी निकलूंगा, देखते हैं। वैसे धूप यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अभी 10 बज रहे हैं। हाँ वैसे जगह बहुत ही अच्छा है यार, मौसम भी सही है, बट ज़्यादा धूप होने से फिर तकलीफ होती है। चलो देखते हैं। बाइक का नंबर लिख के साइन करना है, साइन करना है ना। थैंक यू। चलो भाई कैश अमाउंट मिल गया। दिस अमाउंट इज़ लाइक बाइक का पेट्रोल का अमाउंट है, पता नहीं कितने घर जाके खोलेंगे भाई। अभी खोल के देखने में क्या जाता, कुछ तो नहीं जाता। 340। दिस अमाउंट इज़ 340। चलो भाई तेल का पैसा तो निकल गया, बढ़िया है। अब लुक एट दिस जंगल यार, ये जो जंगल के बीच से जो रास्ता है और यहाँ ठंडक, यहाँ धूप है बट फिर भी अलग ठंड फील हो रही है। और टावर भी डाल दिया है यहाँ, एक अलग ठंड फील हो रही है पता, मतलब बहुत ही सही टेम्परेचर यहाँ का, हल्का धूप हल्का ठंड, एक बहुत सूदिंग सा टेम्परेचर है ये, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जंगल है ना, ऐसे घने जंगल ये जिरगाटन साइड ही देखने को मिलते हैं। सो अभी सी पोर्ट ब्लेयर चिड़ाडा पुटुश नंबर पोर्ट ब्लेयर 37 किलोमीटर अभी पोर्ट ब्लेयर हमें जाना है। और ये रास्ता ही इतना प्यारा है ना, खाली रोड और ऊपर से जंगलों के बीच में, ऐसा लग रहा है मतलब ये कि कोई हॉलवे है यहाँ, और ऊपर से मतलब बोलते हैं ना सारी दीवारें हैं पेड़े सारे और उसके बीच से हम जा रहे हैं। नाइस। ये ना कार में मज़ा नहीं आएगा, इसका एक्चुअल मज़ा ना बाइक राइड या स्कूटर या टू व्हीलर राइड में आप आओगे ना तभी आपको मज़ा आने वाला है, बहुत ही सही। और अगर आपने अभी तक ब्लॉग देखा है तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यू गाइस नो इट, आई एम ऑन फेसबुक एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम एंड आई एम सुपर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। वेल दिस इज विवेक वाही साइनिंग ऑफ, सायोनारा। Who alive can't put me in a box? I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames I whip it up, you just